हेलो एवरीबॉडी, मास कम्युनिकेशन बेसिक ट्यूटोरियल क्लास में मैं चेतना आप तमाम लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ। और आज के इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, क्योंकि हमारा सिनेमा का सीरीज चल रहा है। तो पहले सीरीज के बारे में मैंने आपको पहली जो म्यूट फिल्म है यानी कि फर्स्ट साइलेंट मूवी के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। उस जानकारी के साथ साथ मुझे आप लोगों की जो प्रतिक्रियाएं मिली वो मुझे बहुत ही आनंद मिला उन तमाम फीडबैक को पढ़ने के बाद। और कई लोगों ने मुझे ईद का चांद भी कह दिया। जी हाँ, ईद का चांद इसलिए हो गई थी मैं क्योंकि कई दूसरे ट्रैक पर ज्यादा फोकस हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि मैं वापस अपनी गाड़ी को अपने इस चैनल तक लेकर आई हूँ। और ये सिर्फ आपकी बदौलत है क्योंकि आपने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है अपने वीडियोस को लेकर आने के लिए, बार बार आपके साथ शेयर करने के लिए, आपको कुछ नया बताने के लिए और कुछ रोचक बताने के लिए मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म से रिलेटेड। इसके साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ये जो मेरा जो चैनल है ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के स्टूडेंट को ही एड्रेस करता है। ये चैनल जो है, क्योंकि इसका नाम ही है बेसिक मास कम्युनिकेशन एंड ट्यूटोरियल क्लास, दैट मींस कि ये बेसिक कहने का शब्द का मतलब ये हुआ कि बहुत ही सिंपल शब्दों के साथ, बहुत ही साधारण शब्दों के साथ मैं अपने कोई भी टॉपिक को उठाती हूँ, आप तक लेकर जाती हूँ, आप तक समझाने की कोशिश करती हूँ। और जो लैंग्वेज मैंने रखा है वो हिंदी रखा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मैंने भी इसे फेस किया है कि जब भी मुझे कोई चीज़ों को जानकारी लेनी रहती थी, जब मैं पढ़ाई कर रही थी और जब भी मैं टाइप करती थी, गूगल करती थी चीज़ों को या यूट्यूब पर टाइप करती थी, तो मुझे जितने भी वीडियोज मिलते थे वो सारे अदर लैंग्वेजेस में होते थे, ज़्यादातर अंग्रेजी में होते थे। तो मुझे ये लगता था कि अपनी लैंग्वेज में यानी हिंदी भाषा में भी कुछ वीडियोस होने चाहिए जो सिर्फ मास कम्युनिकेशन को एड्रेस करें, ताकि कई ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश में ज़्यादा फ्लुएंट नहीं है, इंग्लिश को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते, वो हिंदी के माध्यम से चीज़ों को समझ सकें और फिर बाद में उसे कोई भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी कर सकें। तो मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपको अपनी भाषा में यानी हिंदी भाषा में चीज़ों को आप तक लेकर जाने का और बहुत सिंप्लीफाई करके आपको चीजें बताने की। तो पहले सेशन में आइए, अब हम अपने सेशन के बारे में बात करते हैं, यानी कि हमारा जो पहला सीरीज हुआ था वो सिनेमा का था। आई थिंक आपको याद होगा, अगर आपने मेरी वीडियो को अच्छे से देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो आपको याद होगा कि मैंने पहले जो मेरा जो सीरीज का पहला पार्ट था उसमें मैंने आपको बताया था फर्स्ट इंडियन म्यूट मूवी के बारे में, यानी कि हमारी जो पहली मूक फिल्म थी जिसके बारे में मैंने बात किया था। और राजा हरिश्चंद्र के बारे में मैंने बताया आपको, दादा साहेब फाल्के के बारे में मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई, इस फिल्म की कई रोचक कहानियों के बारे में भी मैंने जिक्र किया था आपके साथ। और मुझे उम्मीद है कि वो तमाम चीजें को जानने के बाद आपको कुछ और फैक्ट्स एंड फिगर्स पता चले होंगे फिल्म से रिलेटेड। आज हम बात करेंगे कि पहली बोलती फिल्म के बारे में। जी हाँ, यानी कि फर्स्ट म्यूट जो मूवी थी हमारी पर्दे पर जो आई थी राजा हरिश्चंद्र, आज हम बात करेंगे कि पहली बोलती फिल्म हमारी कौन सी थी। और वो कहते हैं ना कि हर कहानी के पीछे कहानी होती है, जो कहानी हम पर्दे पर देखते हैं अक्सर उसके साथ एक और कहानी जुड़ी होती है जो पर्दे के पीछे होती है। तो आज उसी पर्दे के पीछे की भी कुछ कहानी के बारे में आपसे जिक्र करेंगे। तो आइए जानते हैं हम पहली बोलती फिल्म यानी फर्स्ट टॉकी मूवी के बारे में। तो जो हमारी फर्स्ट टॉकी मूवी थी जो भारतीय पर्दे पर सिनेमा पर पहली बार दिखाई गई थी, उसका नाम है, कई लोगों को पता भी होगा उसका नाम, और उसका नाम है आलम आरा। जी हाँ, आलम आरा जो हमारी पहली बनी भारतीय सिनेमा में दर्ज हुई पहली बोलती मूवी। इस टॉकी मूवी के साथ कई रोचक जानकारी जुड़ी हुई। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो मूवी आई, ये जो मूवी थी वो पारसी प्ले पर आधारित एक मूवी थी। जी हाँ, ये पारसी प्ले पर आधारित मूवी कहने का मतलब ये है कि पारसी में एक प्ले था और उस प्ले पे एक राजा और उनकी दो बीवियां, ऐसी फिल्म का प्ले का एक कहीं ना कहीं कहानी था। और वो दो बीवियों के बीच की जो नोक झोंक चलती थी उस फिल्म पर आधारित है। और उसके जैसे कह सकते हैं ना कि उस पे कई तमाम चीजें को बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाया गया। तो ये पहली बोलती मूवी आई कब? ये आई 14 मार्च को 1931, यानी 14 मार्च 1931 इस मूवी को सबसे पहले पर्दे पे देखा गया। अच्छा, एक और चीज याद करने वाली बात ये है कि कई बार ऐसा होता है कि डेट्स के मामले में हम अक्सर डेट्स भूल जाते हैं, याद नहीं रहते हैं हमारे पास दिमाग में। तो याद रखिएगा कि पहली जो हमारी म्यूट मूवी थी यानी राजा हरिश्चंद्र, वो कब आई थी? आई थिंक आपको याद होगा 1913। और ये जो मूवी आई यानी पहली बोलती फिल्म, वो 1931, यानी कि दो फिगर को बस आप उलट दीजिए आपको इसका सही रिजल्ट मिल जाएगा, यानी 1-3 और 3-1।
1-3 को पहली म्यूट मूवी और 3-1 को पहली बोलती मूवी। बहुत ही आसान है याद करने के लिए। तो कभी कभी याद करने के लिए हमें कुछ आर्ट भी सीखना पड़ता है। तो ये थी हमारी पहली बोलती मूवी यानी 14 मार्च 1931। और इस फिल्म की जो राइटर थे, जिसको कह सकते हैं जो पहली जो राइटर इस फिल्म के साथ जुड़े हुए थे, वो है जोसेफ डेविड। यानी कि जोसेफ डेविड जो थे वो उनकी नाटक उन्होंने लिखा था इस फिल्म की, कह सकते हैं उनकी नाटक से लिया गया, इस फिल्म को लिया गया था और इस फिल्म की कहानी की ही इर्द गिर्द। अच्छा, एक फिल्म एक चीज और जुड़ी हुई है, कहा जाता है आलम आरा। आलम आरा का मतलब ये है कि विश्व को जो रोशनी दिखाए, यानी कि टॉर्च बियरर कह सकते हैं। तो आलम आरा का अर्थ यही निकला, जो विश्व को रोशनी दिखाए, आलम आरा। इस फिल्म की कहानी के बारे में और चीजें को भी हम समझते हैं कि क्या क्या है और फैक्ट्स इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो एक सबसे बड़ा फैक्ट ये जुड़ा हुआ है कि ये फिल्म जो जब पहली बार पर्दे पे आई, ऑब्वियसली यानी हमारे अब तक लोगों ने सिर्फ म्यूट मूवीज ही देखा था, यानी कि मूक फिल्मों को ही अभी तक लोगों ने देखा था। और उस मूक फिल्मों को देखने के बाद उन्हें ऐसा लगने लगा कि हाँ, अभी तक कभी बोलती मूवी नहीं आई लोगों के पास, और कोई भी चीज जब पहली बार आती है तो लोगों का तो कह सकते हैं ना, जो भीड़ जुटता ही जुटता है। ठीक ऐसा ही हुआ इस मूवी के साथ, क्योंकि आदर्श हिरानी जिस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे, उन्हें ये पता था कि जब ऐसी कोई फिल्म पहली बार पर्दे पे आएगी तो लोग अपनी अपना प्यार, अपना कहीं ना कहीं अपना अफेक्शन जरूर शो करेंगे इस मूवी के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी तरीके के, किसी भी तरीके की, यू नो, जब हम किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं तो डायलॉग्स का जो इंपॉर्टेंस होता है वो कुछ और ही होता है। तो म्यूट मूवी देखने के बाद ऑब्वियसली लोग बोर हो गए होंगे, क्योंकि लगातार म्यूट मूवी का सिलसिला चला। उसके बाद आई बोलती मूवी, तो बोलती मूवी के साथ लोगों का भी जो कह सकते हैं ना, मन बोलने लगा। और उन्होंने मूवी के बाहर जो लाइन लगी वो ना 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते नहीं, बल्कि 8 हफ्ते तक लगातार लोगों का भीड़ जो था वो जुटा रहा। और इतनी तादाद में लोग आने लगे इस फिल्म को देखने के लिए कि हुआ ये कि पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठी तक उठानी पड़ी। जी हाँ, यानी फिल्म का जो जो कह सकते हैं ना, जो अट्रैक्शन था, वो पहली बार डायलॉग सुनने के लिए, पहली बार लोगों को बोलते हुए पर्दे पर देखते हुए, कैसे वो बोलेंगे, कैसे वो देखेंगे, तो ये तमाम चीजों का जो कहीं ना कहीं लोभ हो गया लोगों के अंदर, वो देखना चाहते थे, क्यूरियोसिटी थी उनके अंदर, जिज्ञासा थी कि कैसा हो सकता है डायलॉग्स के साथ मूवी देखने का मजा। तो इस मूवी में सिर्फ डायलॉग्स तो थी, ये तो एक फैक्ट है ही कि इस मूवी में डायलॉग्स थे, लेकिन इस फिल्म को और ज्यादा पोटेंशियल इस बात पे मिल गया कि पहली बार संगीत, जो प्लेबैक सिंगिंग की बात जिसको हम कहते हैं, म्यूजिक के बारे में जो बातें करते हैं, वो भी इसी सिनेमा के साथ जुड़ा। इतिहास के पर्दे पर जो पहले पहला जो गाना जो दर्ज हुआ, जो पहली सॉन्ग जिसको हम कह सकते हैं, पहला सॉन्ग जो इस मूवी में था वो था दे दे खुदा के नाम पर। यानी कि दे दे खुदा के नाम पर कह सकते हैं कि भारतीय सिनेमा का पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर। और प्लेबैक सिंगिंग और इस तरीके के गाने जब होंगे और डायलॉग्स भी होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि पहली बार का जो कह सकते हैं ना अट्रैक्शन क्या हो सकता है लोगों के अंदर, वो शायद आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो हुआ ये कि ये दे दे खुदा के नाम पर हमारा पहला सॉन्ग था, और इसको जो गाया था उनका नाम है वजीर मोहम्मद खान ने, यानी कि हमारे पहले प्लेबैक सिंगर जो दर्ज हुए इस गाने के साथ, उनका नाम है वजीर मोहम्मद खान। यार भी याद रखने की बात है, नोट करने वाली बात है। तो ये बात थी। इसके साथ एक और बहुत बड़ा फैक्ट जुड़ा हुआ है, वो ये है कि जब ये फिल्म, उस वक्त की बात है जब ये फिल्म 1931 के पहले, ऑब्वियसली 31 में तो फिल्म को रिलीज किया गया, यानी कि उस टाइम पर जब ये फिल्म बन रही थी, उस टाइम पर ऑब्वियसली बहुत जितने भी इक्विपमेंट्स थे, कैमरा से रिलेटेड, साउंड से रिलेटेड, वो सारे बेसिक इक्विपमेंट्स थे, यानी शूट करने लायक इक्विपमेंट्स थे। लेकिन क्योंकि ये पहली बोलती मूवी थी, तो जब ये स्टूडियो जो हमारा, जो ये आलमारा का जो स्टूडियो जहां पर बनाया गया था, वो एग्जैक्ट रेलवे ट्रैक के पीछे उस स्टूडियो को बनाया गया था जहां पर शूटिंग हुआ करती थी। और अक्सर जब डायलॉग्स के बारे में डिलीवरी की बात आती थी, तो ट्रेन के आने जाने के कारण वो जो वहां की जो आवाजें थी वो उसमें कैमरे में कैप्चर हो जाया करती थी। यानी कि वो आवाजें जो बहुत डिस्टर्ब की करने वाली आवाजें जो हुआ करती थी, वो
ट्रैप हो जाती थी और डायलॉग्स में कहीं ना कहीं वो इतना इफेक्टिव नहीं हो पाता था। अब बहुत सारी पेची मतलब कह सकते हैं ना, बहुत सारी जुगाड़ करने के बाद, क्योंकि हम उस टाइम उतने इक्विपमेंट्स नहीं थे, साउंड प्रूफ रूम और या स्टूडियो नहीं हुआ करता था, तो हुआ ये कि फाइनली ये डिसाइड किया गया कि फिल्म की शूटिंग जो है उस वक्त की जाएगी जिस वक्त ट्रेन के आने जाने का टाइमिंग ना हो। यानी ऐसे टाइम को सिलेक्ट किया गया कि जिस वक्त ट्रेन की आवाज ना आए और शांति से शूटिंग की जा सके। आपको पता है वो टाइमिंग क्या थी? वो टाइमिंग थी 1 से 4 बजे की। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि दिन के 1 से 4 की बात कर रही हूं मैं। जी नहीं, ये दिन के 1 से 4 की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं बात कर रही हूँ रात के 1 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक, यानी 1 AM to 4 AM कह सकते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग की जाती थी, जिससे कि रेलवे या उसकी जो सिग्नल्स की आवाजें और आने जाने की ट्रेन की आवाजों को इग्नोर किया जा सके। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट जुड़ा हुआ था इस फिल्म के साथ। इस फिल्म में जो कह सकते हैं कि मुख्य कलाकार तो कई पहली बार, क्योंकि लोगों को ये इस फिल्म में एक्टिंग तो शुरू हुई लोगों की, लेकिन क्योंकि ये पहली उल्टी फिल्म थी तो लोगों को आर्ट ऑफ डिलीवरी ऑफ डायलॉग्स भी नहीं पता था, तो इसलिए भी थोड़ी डिफिकल्टी हुई लोगों को जो एक्टर्स को। और इसी बीच में आदर्श निरानी ने दो ऐसे कह सकते हैं कि नया सितारों को खोज निकाला, उनमें एक महबूब खान और पृथ्वीराज कपूर, ये भी इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल में थे, और पृथ्वीराज कपूर उस फिल्म में सपोर्टिंग रोल में थे। और कहीं ना कहीं वहां से इस फिल्म के माध्यम से हमें कितने बड़े सितारे मिल गए इस आलम आरा मूवी के साथ। तो इस फिल्म में एक और चीज जो सबसे खास चीज जुड़ी हुई है, क्योंकि ये फिल्म ऐसी है कि इसका कई बार ऐसा होता है कि इस फिल्म की प्रिंट के बारे में, तो अनफॉर्चुनेटली इस फिल्म का कोई भी प्रिंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, यानी कि नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि इसका कोई भी प्रिंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ये कहा जाता है कि इस फिल्म के जितने भी प्रिंट्स थे, किसी आग लगने की दुर्घटना में वो सारे प्रिंट्स डिस्ट्रॉय हो गए, नष्ट हो गए, और इसीलिए आज हमारे पास इस फिल्म यानी आलम आरा यानी हमारी पहली बोलती फिल्म का कोई भी प्रिंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य वाली बात है, लेकिन कह सकते हैं कि ये जो फिल्म थी आलम आरा, इसने कहीं ना कहीं डायलॉग्स और म्यूजिक को एक स्थान दिया, और आज हमारे पास कितनी सारी फिल्में हैं, उन्होंने एक नींव रखी कह सकते हैं आलम आरा ने आने वाली फिल्मों के लिए। तो ये थी हमारी फिल्म का सीरीज पार्ट कह सकते हैं, सीरीज 2, और उम्मीद है कि आज का ये जो सीरीज आपको पसंद आया होगा, आपकी कोई भी जानकारी हो इस फिल्म से रिलेटेड, क्योंकि जब भी मैं आपको किसी भी टॉपिक के साथ आती हूँ तो मैं खुद इसके साथ बहुत सारा रिसर्च वर्क करके ही आती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपके पास कोई गलत इन्फॉर्मेशन जाए। तो इसीलिए आप मेरे इस चैनल को रिलाई करें, अगर लगे कहीं पर भी कि कोई फैक्चुअल मिस्टेक है तो मुझे भी करेक्ट करें। अगर पसंद आए तो ही मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आने वाले टाइम में यानी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और रोचक जानकारी मैं आपके साथ लेकर आऊंगी। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ, यानी कि मास कम्युनिकेशन, बेसिक मास कम्युनिकेशन ट्यूटोरियल क्लास अंशु सिन्हा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।